हेलो दोस्तों, धनिष्ठ एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर सीमेंट सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा ट्रेडिंग के लिए, नॉट फॉर इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग के पर्पज से कौन सा अच्छा रहेगा। तो काफी लोगों के प्रश्न थे कि सर अंबुजा रहेगा कि, और पिछले दिनों में जो अंबुजा की धुलाई हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट पे, तो अंबुजा की धुलाई हुई पिछले कुछ महीनों में। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो टॉप बना था, ये टॉप, सो ये टॉप ऑलमोस्ट 581 रुपीस का यहाँ पे बना था। सो 581 का ये जो टॉप बना था यहाँ पर, ये जो एक टॉप बना था 581, उसके बाद में यहाँ पे ये उसके थोड़ा सा ऊपर भी बना था और ये भी टॉप यहाँ पे बना था। सो ये लगभग मेरे हिसाब से ये जो टॉप है, ये टॉप बने थे 595। सो 595 के आसपास का ये टॉप बना था गाइस। सो ये था आपका 595 का टॉप यहाँ पे बना था, 595 का। और ये देखिए यहाँ पे एक ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, और ये सपोर्ट तोड़ के अभी नीचे आ गया। और यहाँ पे देखिए 50 डे की EMA है, उसको भी तोड़ के ब्रेक करके नीचे आ गया और कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए ये इस तरह से नीचे नीचे ही जा रहा है। सो प्राइस यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट काफी नीचे आ गई है। सो काफी लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सर अंबुजा कैसा रहेगा। तो जो हिसाब से अंबुजा में अभी पिछले दिनों में धुलाई हुई, अंबाजी सॉरी माफ कीजिए, अडानी ग्रुप की जो धुलाई हुई उसमें अंबुजा सीमेंट भी बचा नहीं। तो गाइस अभी देखिए काफी नीचे आ गया है अंबुजा सीमेंट, तो इसमें मेरा ध्यान जो है वो कम ही बैठ रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देखिए यहाँ पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्लोजिंग आया हुआ है 357, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 फरवरी 2023, तो देखिए यहाँ तक नीचे तक भी ये आ गया था, यहाँ पे भी गया था, 316 तक भी गया था ये लेवल पे। सो 316 के लेवल से ये फिर थोड़ा सा बाउंस हुआ है, अभी थोड़ा ऊपर आया है। सो ये लेवल आप देखेंगे, ये 316 का वहां से बाउंस करके अभी ये लेवल पर यहाँ पे गया था, फिर वहां से ये नीचे आ गया। सो ये कब का है, ये अभी का ही है, लेटेस्ट डाटा है आपके सामने है, ये जो है वो ये डाटा जो है वो 1 फरवरी का है। सो 1 फरवरी में नीचे, और ये जो टॉप बनाया था यहाँ पर, ये टॉप कब का है, ये टॉप है 9 दिसंबर 2022। सो दिसंबर से फरवरी के बीच में ये काफी यहाँ पे नीचे आ गया है। सो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं बैठ रहा है, अंबुजा में मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है गाइस। सो मेरा फोकस और एक कंपनी का है जिसका मैं बताऊंगा गाइस। तो ये तो डबल टॉप बना चुका है और बाद में अंबुजा भी नीचे के ट्रेंड में है। सो इसमें थोड़ी मंदी की गुंजाइश बनी हुई है, जब तक ये अंबानी के सॉरी माफ कीजिए अडानी के न्यूज़ जब तक बेटर नहीं होते, सारे प्रॉब्लम्स जो अभी जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो फिलहाल तो मैं इससे दूरी रहूंगा। तो मुझे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कमाई के मौके नहीं दिख रहे हैं। अभी हम देखेंगे इसके सामने और कौन सा चॉइस मैं देख रहा हूँ। तो इसके सामने मैं चॉइस देख रहा हूँ वो एक स्टॉक और है जिसका मैं भी यहाँ पे जिक्र करूँगा, और वो है रैमको सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, रैमको सीमेंट पे हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन भी कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए ये 50 डे की EMA है, इसके ऊपर ही अभी कारोबार कर रहा है गाइस। तो 50 डेज की EMA के ऊपर अभी इस वक्त कारोबार कर रहा है। सो अभी यहाँ पे जो क्लोजिंग आया है, मतलब अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त का यदि हम क्लोजिंग देखें गाइस, तो यहाँ पर देखिए ये 724 पे कारोबार कर रहा है। सो 724 पे कारोबार कर रहा है और ये मुझे अच्छा लग रहा है कंपेयर टू अंबुजा सीमेंट, ये मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। अब देखिए ये टॉप बनाया था, अभी यहाँ पे है, और ये देखिए ये सपोर्ट था, उसने ये तोड़ा था, बट फिर भी देखिए ये सपोर्ट यहाँ पर ले लिया है गाइस। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 575 के आसपास, ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 800 रुपये के थोड़ा सा बेहद नज़दीक में भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला 807 रुपया। सो 800
807 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है गाइस। सो ये 807 रुपए का लेवल ये है 807 का, और अभी हम 724 के आसपास कारोबार कर रहे हैं गाइस। तो अभी यहाँ से कोई बहुत बड़ी मूव तो नज़र नहीं आ रही है, बट कंपेयर टू अंबुजा ये मुझे बेटर लग रहा है। सो ये बेटर लग रहा है, देखिए अभी मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट अभी अभी क्रॉस किया हुआ है, मतलब अभी अभी क्रॉस किया है, थोड़े दिन पहले ये इसने क्रॉस किया हुआ है। देखिए ये जो है मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर आया है, तो 698 के ऊपर ये देखिए ये टॉप। तो मेरे हिसाब से अंबुजा के कंपेयर में रैमको सीमेंट मेरे हिसाब से बेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पे कोई भी बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहे, तो ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिए, यहाँ से देखिए कितनी बड़ी मूव थी, यहाँ से अगर हम एक चैनल बनाए तो देखिए कितनी बड़ी मूव थी, और उसके बाद में देखिए ये डाउन ट्रेंड, ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा अप ट्रेंड हुआ, और फिर ये डाउन ट्रेंड यहाँ से ये कंप्लीट करके जस्ट यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट है यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पे कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहे, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो गाइज कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें और फिर आगे बढ़े। तो ये हमने देखा रैमको सीमेंट, तो रैमको सीमेंट्स, सो रैमको सीमेंट्स का ये चार्ट आप देख रहे हैं गाइस। यदि आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जरूर ज्वाइन हो जाइए। कोई भी कोर्स लेना चाहिए, बहुत ही कम प्राइस, रिजनेबल प्राइस पे हमने रखा है, जिससे आप अपना नॉलेज ले सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस, थैंक यू वेरी मच।